निकाय चुनाव में पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस ने परचम लहराया। दौसा जिले में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और तीनों निकायों में वोट बनाने में सफल रही। दौसा, बांदीकुई और लालसोट तीनों ही जगहों पर कांग्रेस के चेयरमैन बने हैं। जीत मिली है तो बधाई तो बनती है। अब जरा दौसा नगर परिषद की चेयरमैन बनी ममता चौधरी का ये विज्ञापन देख लीजिए। लंबे वक्त के बाद कांग्रेस का नगर परिषद दौसा में बोर्ड बनाने पर हार्दिक बधाई। ममता चौधरी, चेयरमैन नगर परिषद दौसा। बधाई के इस पोस्टर में सबसे बड़ी तस्वीर देख लीजिए, सचिन पायलट। तस्वीर में दिखने वाले सचिन पायलट के पास प्रदेश में अभी ना तो सरकार में कोई पद है और ना ही कांग्रेस पार्टी में। फिलहाल वो महज टोंक विधानसभा से विधायक हैं। हाँ, 6 महीने पहले तक जरूर वो सरकार में डिप्टी CM और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन अपने बगावती तेवर के कारण गहलोत सरकार ने उनके दोनों ही पद छीन लिए। प्रदेश में फिलहाल CM अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा हैं, जिन्हें जुलाई के महीने में ही अध्यक्ष के ताज से नवाजा गया था। अब जरा एक नजर इन दोनों तस्वीरों पर भी डाल लीजिए। पोस्टर में पायलट की इस प्राथमिकता को लेकर एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है। पोस्टर में दिख रहे विधायक मुरारीलाल मीणा ने भी जीत के बाद राजस्थान तक को दिए एक इंटरव्यू में क्या कहा था, ये भी सुन लीजिए। सचिन पायलट की वापसी होगी? देखो, सचिन पायलट एक ऊर्जावान, एक यंग लीडर हैं और जनता में उनका जनाधार है। कांग्रेस को निश्चित सचिन पायलट को का कांग्रेस को बहुत फायदा है। वो कांग्रेस विचारधारा के व्यक्ति है, वो पहले भी कांग्रेस में थे, कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। CM बनने के सवाल पर जरूर विधायक जी ने गेंद आलाकमान के पाले में डाल दी। आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेंगे? देखो, ये इस मामले में कुछ नहीं कह सकता, ये हाईकमान का और हमारे बड़े नेताओं का मामला है। कौन मुख्यमंत्री रहता है, कौन नहीं रहता है, किसके बनने से पार्टी को फायदा है, किसके बनने से नहीं है, ये हमारा इस तरह का मामला है नहीं। हम तो जो हाईकमान करेगा, जो बड़े नेता करेंगे, उनको मान्य होगा और हम पार्टी का काम करेंगे। पोस्टरवाद का विवाद प्रदेश में पहली बार नहीं उठा है। इसी साल की शुरुआत में जब सरकार में सियासी संकट की शुरुआत हो चुकी थी, तब एक RTI के जवाब में प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने बताया था कि दिसंबर 2018 से नवंबर 2019 के बीच 25.08 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया गया। इन विज्ञापनों में सिर्फ CM अशोक गहलोत की तस्वीरें थीं, तब सचिन पायलट प्रदेश के डिप्टी CM थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।